सास बहू बेटिया पे आज आपको मिलवाते हैं टीवी की द क्वीन से, जिन्हें हम हमेशा टीवी क्वीन कहते हैं। प्लीज़ वेलकम एकता, हाउ इज़ यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट? वेरी टायर्ड बट ऑलवेज नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। वेल इट कम्स टू यू, सो बहुत सारे शोज, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, राइट? सो क्या कहेंगे आप? बस थोड़ा बहुत कॉन्टेंट बना रहे, देखते रहिए। वेल, बात करें वेब सीरीज़ की या फिर टीवी सीरियल की, हमेशा कुछ अलग आता है और इस बार तो मतलब जॉनर टोटल डिफरेंट है। लाइक नागिन से अगर शुरू करें तो आप नागिनों को, कछुए, मतलब बहुत सारे जीव लेकर आइए, राइट? वी आर एक्चुअली, वी शुड बी सपोर्टेड बाय पीटा, वी हैव ह्यूमनाइज्ड ऑल द एनिमल्स। और इस बार चिपकली सबसे ज़्यादा नजर आने वाली है और इट्स गोना बी शेप शिफ्टिंग चिपकली, बट यू डोंट नो एक्चुअली चिपकली बनती है या नहीं बनती है, या हमारा भ्रम है कि वो चिपकली बन के वहाँ से निकली। मतलब हमने इच्छाधारी नागिन ऑब्वियसली देखा है, आपके शो में हमने इच्छाधारी नेवला देखा है, सो इंटरनेशनली इच्छाधारी क्या बोलते हैं, बेर भी दे, वो वुल्फ भी देखे हैं, वो वुल्फ वो हमें याद नहीं रहते। सो हम शोज की बात करें तो डायन का जो फ्लेवर है, इस पर क्या कहेंगे आप? सो आई एम एक्चुअली, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये एक फोकलोर ऐसा था जो मैंने टच नहीं किया था। और बहुत साल पहले एक फिल्म बनाई थी मैंने, एक और एक थी डायन, उस वक्त एक बुक लिखा था, वेद प्रकाश जी ने लिखा था, जो अभी दुनिया में नहीं है, और वो मुझे बहुत पसंद आया था। और आई री ओपन दैट बुक और वो स्टोरी पढ़ने पर ऐसा लगा कि वाओ, ये तो करना चाहिए। तो आई गॉट दिस री स्टार्टेड और मुश्ताक और राइटर्स ने बैठ कर इसको पहले डिस्कस किया और फिर नाउ फाइनली इट्स आउट देयर। जो बात होती है एकता के शो की, सो मतलब आप बस भूल जाइए कि टीआरपी कितनी आने वाली, जस्ट ऑसम एवरी टाइम। सो आप ऐसा मत बोलो, बहुत प्रेशर लगता है मेरे सर पे, मुझको एसिडिटी हो गई है, प्लीज़ इतना मत बोलो। लेकिन हम डायन की बात करें, सो टीना दत्ता इज़ देयर, एक मतलब वापसी की है टीवी में उन्होंने, सो पहले से प्लान था क्या, किस तरह? मैंने टीना के साथ काम करने का बहुत पहले सोचा था, एंड बोथ ऑफ अस वर डिस्कसिंग कि मैम कोई ना कोई शो साथ करेंगे ऐसे, हाँ प्लीज़ टीना वी शुड वर्क टुगेदर। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, वी वांटेड अ वेरी इनोसेंट फेस एंड शी हैज़ दैट, तो इट वाज नाइस टू वर्क विद हर अगेन। टीना तो हमें दिख रही है जो ढूंढ रही है घर में डायन कौन है, लेकिन सवाल ये है कि इतना डायन कौन है? आपकी आँखों को धोखा होगा, घर में बाहर कोई ना कोई ऐसी होगी जो आप कैस नहीं कर पाएंगे। हमने प्रोमोस देखे हैं, इतना खतरनाक उनका मेकअप है, कैसे सोच लेते हो? ये मेरी टीम ने सोचा, ये मेरे दो इन हाउस जो मैंने अभी कह रही थी ना आपको डीज वो मुझे डर लग रहा था, ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कम करो, बच्चे देखेंगे। तो फिर उन्होंने कम किया है थोड़ा सा, बट प्रोमो में थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रहे हैं। बट या आई हैव ट्राई टू सी दैट कोई ऐसा नहीं डरे कि यू नो, बट वो सिर्फ फ्लैश में आता है। और द इंट्रीग बहुत इंटरेस्टिंग, फोकलोर की जो कहानी लो लिखी थी कि कब कहाँ से क्या लिंक होता है, और इसके पीछे एक नाइस सोशल मैसेज है जो एंड में आता है कि कैसे वी हैव टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑलराइट, अपने सारे ऑडियंस को आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऑल्ट पे भी बहुत कुछ आ रहा है नया और चैनल्स पे तो आ ही रहा है। ऑल्ट देखिए और एंड टीवी पे जाएं देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एकता, इट वाज नाइस मीटिंग यू, थैंक्स अ लॉट टू मीट यू, सो नाइस टू मीट यू फॉर सो लॉन्ग। जय माता दी, जय माता दी। कैमरा पर्सन महेश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं, मुंबई आज तक।